ओडिशा के भद्रक जिले के धामनगर में हुए उपचुनावों के मतों की गणना पूरी हो गई है और यहां से भाजपा को शानदार जीत मिली है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक विष्णु चरण सेठी के सितंबर में निधन के बाद यहां चुनाव हो रहा है। खास बात यह है कि साल 2019 में इस सीट पर कब्जा जमाने वाली भाजपा दबदबा बरकरार रखने की कोशिश में थी और जैसा कि भाजपा चाहती थी वैसा हुआ भी, क्योंकि धामनगर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। हालांकि यहाँ पर माना जा रहा था कि बीजू जनता दल उपचुनाव में जारी विजय रथ को जारी रखेगी और वो ये सीट आसानी से जीत लेगी, क्योंकि ओडिशा में जहां पर भी उपचुनाव होते थे वहां पर बीजू जनता दल को जीत मिलती थी। लेकिन यहां पर न सिर्फ भाजपा को शानदार जीत मिली है बल्कि बीजू जनता दल के विजयी रथ को रोकने में भी सफलता हासिल की है। सबसे खास बात यह कि भद्रक जिले में आने वाली धामनगर सीट करीबी मुकाबलों के लिए मशहूर हो गई है। यहाँ मतदाताओं की संख्या लगभग 2.4 लाख है। उपचुनाव 2022 में भी भाजपा और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। खबरें हैं कि भाजपा सहानुभूति के जरिए भी समर्थन जुटाने की कोशिश में सफल हुई है और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के यहां पर बड़ी जीत आसानी से मिली है। वहीं दूसरी ओर बीजू जनता दल भी साल 2019 से अब तक सभी 5 उपचुनावों में जीत चुकी है। भाजपा ने सेठी के बेटे सूर्यवंशी सूरज को मौका दिया था, वहीं पर बीजू जनता दल ने अमवती दास को मैदान में उतारा था। दास एक महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, राज्य बड़े स्तर पर SHGS को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि बागी उम्मीदवार और पूर्व विधायक राजेंद्र दास की एंट्री ने मुकाबले को रोचक बना दिया था, लेकिन इसके बाद राजेंद्र दास यहां पर काफी पीछे नजर आए। दास ने 2019 में सेठी को कड़े मुकाबले में हराया था और बीजत को जीत दिलाई थी। हालांकि इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज ने बीजू जनता दल के प्रत्याशी एवं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमवती दास को शुरू से ही बढ़त बना ली थी और यही कारण था कि बीजेपी को यहां पर आसानी से जीत मिल गई। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यहां पर बीजेपी सहानुभूति के कारण चुनाव जीतने में सफलता हासिल कर पाई है, नहीं तो यहां से अमवती दास की पकड़ काफी मजबूत मानी जा रही थी। हालांकि अब यह साफ हो गया कि भाजपा यहां से चुनाव जीत गई है, लेकिन इसी के साथ बीजेपी ने बीजू जनता दल के विजयी रथ को भी रोकने में सफलता पाई है। एक समय में बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच गठबंधन हुआ करता था, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां अलग हैं। ऐसे में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ है। यही कारण था कि भले ही भाजपा के प्रत्याशी ने शुरू से बढ़त बनाई रखी हो, लेकिन बीजू जनता दल के प्रत्याशी अमवती दास ने भी आखिरी समय तक बीजेपी को टक्कर दिया। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई है, जिसके नाते से भारतीय जनता पार्टी का विश्वास और भरोसा दोनों बढ़ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद क्या आगामी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन कर पाती है या नहीं, क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी की ये विजयी शुरुआत हुई है। लेकिन ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे के चुनावों में जीतने में कितनी सफलता हासिल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।